दोस्तों फाइनली हम लोग अपने पड़ाव की ओर निकल चुके हैं, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में हम पहुंच जाएंगे विश्व सुंदरी पुल के ऊपर, जो कि एशिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और खूबसूरती के मामले में जो कि माँ गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो फाइनली हम लोग कुछ क्षणों में जो है कि इस ट्रक को ओवरटेक करेंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे कुछ ही क्षणों में हमको गंगा नदी का ये सुंदर एवं अत्यंत ललनटाप नज़ारा देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, इन गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए धीरे धीरे हम लोग पहुँच ही जाएंगे। ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं इसी ब्रिज के ऊपर जो कि विश्व सुंदरी पुल के नाम से जाना जाता है, जो कि NH2 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 2 है। और यहाँ से हम लोग जो कि सीधे चढ़ चुके हैं इस विश्व सुंदरी पुल के ऊपर और बहुत ही गंगा नदी का अत्यंत दुर्गम एवं दुर्लभ नज़ारा आपको दिखाई देगा। थोड़ी ही देर में देखिए गाड़ियों की हैवी ट्रैफिक लगी हुई है, जो कि पूरी की पूरी जो कि ट्रक्स ट्रैक्टर वगैरह का जो है कि लंबा जाम लगा हुआ है। तो आगे लग रहा है कि पुल का जो है कि डाइवर्जन का काम चल रहा है, क्योंकि एक लेन बंद हो चुका है और केवल एक ही लेन से दोनों तरफ का आना जाना चालू है। तो काफ़ी ये देखिए सामने आपका गंगा नदी का अत्यंत दुर्लभ नज़ारा है। सूरम वातावरण में बैठी माँ गंगा अपने आप में कलकल करती प्रभावित हो रही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है गंगा नदी का, आइए दिखाते चलते हैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से। वास्तव में देखिए दूसरा वाला लेन जो है कि इधर से हम लोग चल रहे हैं बाईं तरफ से, तो जो दाहिनी तरफ वाला लेन है वो बंद हो चुका है क्योंकि उसमें मरम्मत का कार्य जारी है। और हम लोग जहाँ चल रहे हैं इसके ठीक दाहिनी तरफ है जो है कि आपका रामनगर पोर्ट जो कि बंदरगाह बना हुआ है, तो अभी काफ़ी हैवी काफ़ी विशाल है। आने वाले दिनों में वहाँ का भी वीडियो हो सकता है कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो देखिए गाड़ियों और जो कि ट्रकों का लंबा जाम आपके सामने दिखाई देता हुआ, सामने माँ गंगा नदी का अत्यंत सुंदर नज़ारा, वो आपको जो दूर दिखाई दे रहा है वो है सामने घाट श्रीलंका जो कि रामनगर फोर्ट को जोड़ता है। वो पुल बन जाने की वजह से वाराणसी का जो कि दूरी है रामनगर से काफ़ी कम हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों, देखिए हम लोग दोस्तों से गुजर पाएंगे।